नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। हर तरफ लाश लाश और सिर्फ लाश। जरा सोचिए, लाशों की संख्या 1300 से 1400 हो तो उन लाशों में से हर कोई अपने अपनों की पहचान कैसे कर पाएगा। यही वजह है कि इजरायली सेना ने गिद्ध का सहारा लिया लाशों को ढूंढने के लिए। इसराइल और हमास के बीच जंग का आज शुक्रवार को 35वां दिन है। 7 अक्टूबर की रात अचानक हमास ने इसराइल पर 5000 से अधिक बम दागे, इससे 1400 लोग मारे गए। वहीं लड़ाकों ने घुसपैठ कर तमाम लोगों का बेरहमी से कत्ल और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। ऐसे भी लोग हैं जो लापता हैं। इन लापता लोगों की तलाश के लिए इजरायली सेना ने अब बाज, चील, गिद्ध और भी पक्षियों की मदद ली है। इजरायली वन जीव एक्सपर्ट और नेचर एंड पॉक्स अथॉरिटी के अहोद इत्तजोफे ने समाचार एजेंसी AAFP को बताया कि इजरायली सेना 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों ने जिस जगह हमला किया था उसके आसपास लाशों का पता लगाने के लिए चील, गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षियों का उपयोग कर रही है। इन पक्षियों पर ट्रैकिंग इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो हमले के पीड़ितों के मानव अवशेषों के बारे में जानकारी सेना तक पहुंचाते हैं। दरअसल इजरायली सेना के पास EITAN नाम से एक ऐसा विंग है जो पक्षियों की भर्ती करता है। यह विभाग लापता सैनिकों की सर्चिंग के लिए पक्षियों का इस्तेमाल करती है। अब इससे लाशों का पता लगाया जा रहा है। वन्य जीव विशेषज्ञ हत्ज़ोफे विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे गिफ्रान गिद्धों पर नजर रखते हैं। गिफ्रान मुख्य रूप से मृत जानवरों के साथ साथ शिकार के अलग अलग पक्षियों को भी खाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत सैकड़ों पक्षियों को उनके प्रवासी पैटर्न, भोजन की आदतों और पर्यावरणीय खतरों के रिसर्च के लिए GPS ट्रैकर्स के साथ टैग किया गया है। 23 अक्टूबर को सेना एक दुर्लभ समुद्री ईगल की मदद से गाजा पट्टी के ठीक बाहर बीरी के पास पीड़ितों के शव का पता लगाया है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।